तो गाइज़ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा कि गाइज़ ईमो एप्लीकेशन में प्राइवेट चैट होता गया है और गाइज़ आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज़ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइज़ नहीं आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। तो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज़ आपको अपने मोबाइल में ईमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक पर्सन की चैट को ओपन कर लेना है। जैसे गाइज़ मैं इस वाले पर्सन की चैट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही गाइज़ हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज़ हम इस पर्सन से कोई भी चैट करेंगे तो यहाँ पर जैसे गाइज़ आप उसे कुछ भी लिख कर भेजेंगे तो गाइज़ उसको सामने वाले को ये जो मैसेज शो करेगा। उसके अलावा गाइस कोई दूसरा पर्सन जो आपके मोबाइल को लेता हो उसको भी ये मैसेज शो कर जाता है। पर यदि गाइस आप इस चैट को प्राइवेट करना चाहते हैं तो गाइस आप इसे प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर की साइड आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको प्राइवेसी चैट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपको इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेना है। तो जैसे गाइस आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन करेंगे तो गाइस आपकी जो चैट है वो यहाँ पर प्राइवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपकी जो चैट है वो यहाँ पर प्राइवेट हो गई है। यहाँ से गाइस आप इससे कुछ भी बात करेंगे तो गाइस आपकी जो ये चैट है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आप इस चैट को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस आपने इसे कुछ भी मैसेज कर लिया, मैं जैसे गाइस मैं इसे हाई करके मैसेज कुछ भी कर लेता हूँ या फिर गाइस स्टिकर सेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे गाइस मैं स्टिकर सेंड करता हूँ तो ये तो हमने मैसेज सेंड कर लिया है। पर गाइस मैं इस मैसेज को हाइड करना चाहता हूँ, पहले वाली यहाँ पर स्क्रीन लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ऊपर की साइड थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से गाइस आपकी जो पहले वाली स्क्रीन है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। और यदि गाइस फिर से गाइस आपको वही स्क्रीन लानी है जो कि गाइस आपने यहाँ पर प्राइवेट चैट की थी, तो यहाँ पर फिर से गाइस आपको ऊपर की साइड एक लॉन्ग स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जैसे गाइस आप यहाँ पर फिर से ऊपर की साइड एक लॉन्ग स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आपकी फिर से गाइस आपकी जो वो चैट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस फिर से गाइस आपकी जो प्राइवेट चैट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आप भी ईमो एप्लीकेशन में प्राइवेट चैट का यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस कुछ इस टाइप से आप ईमो एप्लीकेशन में प्राइवेट चैट का यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, ताकि गाइस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।